नमस्कार, ओडिशा के प्रेस ब्रीफ में आपका स्वागत है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में ओडिशा के बारे में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं। ओडिशा में कुल 473 सैंपल टेस्ट किए गए हैं एवं अभी तक 3 पॉजिटिव केस पाए गए हैं ओडिशा में एवं तीनों पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं, उनमें सुधार आ रहा है। हमारे जो 3 पॉजिटिव केस पाए गए ओडिशा में, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मध्य किया गया है। जो पहले 2 पेशेंट थे, उनका 55 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया गया था एवं जो तीसरे पॉजिटिव केस हैं, उनका 112 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया गया था एवं WHO एवं भारत सरकार के एडवाइजरी के अनुसार इन सभी केसेस में कार्रवाई की गई है। आज के डेट में कुल 57 लोग ओडिशा में हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखे गए हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा बाहर के प्रदेश के फंसे हुए लोगों के लिए कैंप चलाए जा रहे हैं एवं उन कैंप के माध्यम से उन तक सभी प्रकार की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओडिशा में अभी 276 कैंप इस प्रकार से चलाए जा रहे हैं, जिसमें दूसरे प्रदेश के लोग करीब 19,838 लोग, इनको सभी प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है एवं जैसे जैसे सूचना अन्य राज्यों से प्राप्त हो रही है, वैसे वैसे ओडिशा जिला प्रशासन उन तक पहुंच रहा है एवं उन्हें हर एक प्रकार की सुविधा प्रदान कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओडिशा में 4,338 ग्राम पंचायत में 1,75,385 लोगों के लिए कुक्ड फूड की व्यवस्था की गई है। जिनका कोई आश्रय नहीं है, जो लोग असहाय हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस प्रकार से कुक्ड फूड की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार से जो पौरांचल है, 114 पौरांचल में 14,383 व्यक्तियों के लिए जो अनाश्रित हैं एवं असहाय हैं, उनको सुविधा प्रदान की जा रही है, उनको कुक्ड मील दिया जा रहा है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि पहले ओडिशा में 2 टेस्टिंग सेंटर्स थे, एक एम्स भुवनेश्वर और दूसरा RMRC। अब SCB मेडिकल कॉलेज कटक में भी परीक्षण की व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। तो इस प्रकार से कुल 3 हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के टेस्ट की व्यवस्था की गई है एवं ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ताकि टेस्टिंग फैसिलिटी को और हम बढ़ा सकें। हमारे पास आने वाले 2 महीने के लिए इस बीमारी से निपटने के लिए जो भी औषधि दरकार है, जरूरत है, वो हमारे पास अवेलेबल है। तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ओडिशा में पॉजिटिव की संख्या मात्र 3 है। जो निजामुद्दीन से लोग लौटे हैं, दिल्ली निजामुद्दीन से, वैसे 3 लोगों को चिन्हित किया गया है ओडिशा में और तीनों लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं और बाकी जैसे जैसे और खबर आएगी और भी लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है।
बट फिलहाल तीन लोग जो निजामुद्दीन से लौटे हैं दिल्ली से, उनको क्वारंटाइन में, उनको चिन्हित कर उनको क्वारंटाइन में रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।